ई वाला लंकेश्वर के तो कहिए मुड़ी कट गए और खत्म हो गए रहलन, लेकिन कलयुग में भी एगो लंकेश्वर के जन्म हो गए बा और वो हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या बात कर रहे बाबा? अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोलता नहीं, जेकर नाम है लंकेश्वर राकेश मिश्रा। लंकेश मिश्रा जी के नाम से अपना जीवन शुरुआत किया। इतने ना इनकर नाम के आगे पवन सिंह के तरह जी नखे लगाओ के, बस श्री लगाओ के बाद। भले नाम के बाद जी लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन नाम के आगे श्री तो लगाओ। तो कहे ना इनका नाम के आगे श्री लगा के तनी सम्मान दे दिया जा। आइए देखते चल मजा आएगा। बात हो ऐसे कुछ दिन पहले के, जब लंकेश्वर राकेश मिश्रा और अनुपमा यादव के एगो स्टेज से होता ला, और वो में अनुपमा यादव इनके कहली है कि हमार साथ पवन सिंह के पियर फराक अली गाना गावा, तो इस साफ मना कर दिला अनुपमा यादव के कहे से कि कॉन्फिडेंस में जीना हमेशा सीखे। अच्छा जब इतने सेल्फ बा तो है का अपन बाप के गाना गइले रहला। हां एक गाना गा रहा हूं भैया का, गाना सुनिएगा भैया कि अब हर बात के भुला भी दा फिर से घर के सजावे। और तो और पवन सिंह के गाना में रील्स भी बनाओ तलहन। इतने ना इनकरा खातिर पवन सिंह भोजपुरी खातिर इतना कुछ कहले बड़न। अगर किसी ने भोजपुरी के चरम सीमा को आगे तक बढ़ाया तो अकेला पवन सिंह है, दूसरे किसी को नहीं। बताओ भला बाप के इतना कुछ बड़ाई करके और वह बाप के गाना एगो गाय से मुकर जेब तो लोग रेल में न करी। और वह जब लोग रेल देता तो लाइव आके कहते कि सर्व साहब हमारे नाम के आगे श्री भी नहीं लगावत रहसन, तो अरे लगा दिया जे श्री लंकेश्वर मिश्रा, एमे कौन बड़ बात बा। बात तो सही है। देख लो भाई लोग अब हमें राकेश मिश्रा के गलत ना बोले जाए, कहें से कि एगो सुपर स्टार होके वो अगर एगो गाना दिया और वो गाना में व्यू आई 10,000-15,000 तो उनका दिमाग तो भाई बोखलेबे न करी। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ अच्छा। राकेश मिश्रा के ग्राफ अब धीरे धीरे डाउन होकर जाता और जब उस चीज के वो नोटिस कर लन तो कर लगल बाप पवन सिंह के बड़ाई, और बड़ाई करत करत जब कोनो दाल ना गलल तब सोचते कि ना ना ये बाप से अब काम ना चली, अब ये बाप के बड़ाई करे के पड़ी। कुछ भी भोजपुरी के कहते सबसे बड़का बड़का प्रोजेक्ट ये करी हन। और तो और अपने आप के भोजपुरी के एकदम इंटेलिजेंट सुपर स्टार माने लन, तो पहले ये तो बता दो साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा दूँ। खैर मोदी जी तन इनकर भविष्य के बारे में बताओ था लवणे न भोजन। और भाई लोग तहन लोग के इंसान के प्रति का प्रतिक्रिया बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो, और वीडियो अच्छा लगा लो तो वीडियो का लाइक कर दिया लो, चैनल का सब्सक्राइब कर दिया लो। हम मिलते नहीं एगो दूसर वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं